स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑफ सी। आज की क्लास में हम एग्जांपल करेंगे 4 फिट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसे प्रोराटा अलॉटमेंट बोला जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑफ सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एग्जाम्पल 54 कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लास से मैंने हर एक जो टॉपिक बनता है कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट में लिखा है कंपनी ऑफर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कहता है कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को ऑफर किया है पब्लिक को, ₹10 ईच है। कैसे मंगवाई हैं? 3 ऑन एप्लीकेशन के ऊपर, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन अ फाइनल कॉल। द पब्लिक अप्लाई 1,52,000 शेयर। तो यहाँ पे 1 लाख ऑफर की गई है, अप्लाई जो पब्लिक की साइड से 52 एक्स्ट्रा आ चुकी हैं एप्लीकेशन। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेस। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी जाएंगी, रिसीव की जाएंगी, वो प्रोराटा बेस पे की जाएंगी 1,50,000 को। कहते ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी। कहते सभी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन किसको छोड़ के? एक ऐसा शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर्स ही अलॉट किए गए थे। तो इन शेयर्स ने क्या किया, इन शेयर को कंपनी ने फोरफिट कर लिया। द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, उसके बाद ही फर्स्ट कॉल को मंगवाया गया, यानी कि पहले अलॉटमेंट के फोरफिट करने के बाद शेयर्स को जैसे अलॉटमेंट उसने दी नहीं है शेयर होल्डर ने, तो उसके शेयर्स को फोरफिट करने के बाद फर्स्ट कॉल मंगवाई गई है। तो जो ये फोरफिट शेयर्स थे इनको रीइशू कर दिया गया 9 पर शेयर के हिसाब से, 8 पेड अप जो वैल्यू थी। और जो फाइनल कॉल है वो मंगवाई नहीं है कंपनी के साइड से। तो कहते रिक्वायर 5 जनरल एंट्री, जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट बोला वैसे वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा कि जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये बनती है। 10 रुपये जो कंपनी ने कैसे मंगवाया है, तो कहते जो ये 10 रुपये बनते हैं ये कंपनी ने इसके 4 हिस्से कर दिए हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाए गए हैं वो मंगवाए गए हैं ₹3। नेक्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के ऊपर 2.5, देन फर्स्ट कॉल के ऊपर 2.5, देन फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपी। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि कंपनी ने फाइनल कॉल है जो वो मंगवाई नहीं है, तो यहाँ पे 10 रुपी में से 2 रुपी नहीं मंगवाए, तो 8 रुपी के आगे यहाँ पे कॉल्डअप वैल्यू। तो हमारी कॉल्डअप कैपिटल कितनी है? 8 रुपी, क्योंकि 2 रुपये तो कंपनी ने मंगवाई नहीं है, 10 में से 2 नहीं मंगवाए, तो कितने मंगवाए? सिर्फ 8 रुपये। तो कहते हैं यहाँ पर हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो करना है हमें ओवर सब्सक्रिप्शन वाला विद द हेल्प ऑफ टेबल, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको करवाई भी हुई टेबल। इस क्वेश्चन में वैसे ही टेबल बना के हम दोबारा करेंगे सम को। जैसे आते सबसे पहले अप्लाइड एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन है जो अप्लाई किया थे पब्लिक द्वारा, फिर उन्हीं अप्लाइड एप्लीकेशन के ऊपर की आती है एप्लीकेशन की मनी आती है, फिर कंपनी जिन शेयर्स को शेयर्स अलॉट कर देती है उनको अलॉटेड एप्लीकेशन बोला जाता है, अलॉटेड एप्लीकेशन। फिर कंपनी क्या करती है, इन एप्लीकेशन के ऊपर जो पैसा एप्लीकेशन मनी रख लेती है, फिर इन दोनों का कंपेरिजन करके जो एक्सेस होता है उसको एक्सेस को एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ। यहाँ पे अलॉटमेंट के जो बनते हैं 2.5 रुपी, फिर कॉल के साथ एडजस्टमेंट की जाती है, कॉल भी कितनी बनते हैं 2.5 रुपी, और जिनको कोई भी शेयर्स नहीं अलॉट किए जाते उनको वापस कर दिया जाता है पैसा। यहाँ पे जिनका एक्सेस में बनता है, जिनको शेयर अलॉट किए गए हैं उनका भी पैसा वापस कर दिया जाता है, बैंक में जाता है वो। तब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो पब्लिक है, पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन है जो अप्लाई किया, 1,52,000 टोटल है जो एप्लीकेशन कंपनी को आ चुकी है, जबकि कंपनी कितने अलॉट कर सकते है, सिर्फ 1 लाख ही अलॉट कर सकते है शेयर। तो यहाँ पे कैसे अलॉट किया गया है, कहते जो 1,50,000 शेयर थे, 1,50,000 को प्रोराटा मतलब कि 1 लाख दे दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा टोटल तो 152 है, तो 150 का हिसाब हो चुका था 2,000 शेयर्स को, मतलब कि कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए कंपनी की साइड से। तो इस तरीके से हमने टोटल देखेंगे तो 52 बनता है, यहाँ पे 1 लाख बनता है। तो जब इन एप्लीकेशंस आई हैं तो एप्लीकेशन मनी भी आई होगी, तो यहाँ पे विद एप्लीकेशन मनी जब देखा जाए तो कितना रुपये रिसीव हुआ होगा, यहाँ पे 4,50,000, तो यहाँ पे आया होगा 6,000। तो जब यहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं 1,52,000 को जब एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीपल करके चलेंगे, तो 152 × 3 करेंगे तो हमारे पास बनता है 4,56,000। तो ऊपर जब टोटल करते हैं तब भी हमारा कितना बनता है, 4,56,000 ही बनता है। तो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स के पीछे 3 रुपये के हिसाब से कितने एप्लीकेशन मनी कंपनी रख ली, 3 लाख रख ली। तो ऐसे यहाँ पर ऊपर करेंगे 1 लाख, तो ₹3 लाख आ जाएगी। तो यहाँ पर ना ही कंपनी ने इनको शेयर्स अलॉट किए गए, ना ही इनका पैसा कंपनी रखेगी।
तो यहाँ पे 4.5 लाख रुपए कंपनी को रिसीव हुए, 3 लाख कंपनी रख लिया, तो यहाँ पे फालतू कितना आ गया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख कहाँ दिखा देंगे, एक्सेस में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको शेयर जो अलॉट किए गए 1 लाख अलॉट किए गए हैं, तो 2.5 रुपये के हिसाब से इनकी जो बनती है एप्लीकेशन यानी अलॉटमेंट मनी जो बनती है वो कितनी बनेगी, 2.5 लाख। मतलब हम देखेंगे 1 लाख तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 2.5 रुपये के हिसाब से कितनी बनेंगी, 2,50,000। तो यहाँ पे 1,50 बनते तो 1,50 आसानी से क्या हो जाएंगे, 2,800 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो किसकी करनी होती है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 1 लाख शेयर अलॉट किए गए हैं, अलॉटमेंट के हम इससे कितने मंगवाएंगे, 250 बनते हैं। तो यहाँ पे 250 तो 150 मतलब 2,50,000 से तो कम ही बनते हैं, तो पूरे का पूरा पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। तो बाकी हमारे पास कुछ एक्सेस नहीं है जो एडजस्टमेंट करें आगे। तो यहाँ पे जो 6,000 रुपये रिसीव हुए थे तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इनका 6 का 6,000 कहाँ चला जाएगा, एक्सेस में चला जाएगा, और कंपनी इनका पैसा क्या कर देगी, वापस कर देगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो कंपनी का टोटल रिसीव हुआ है वो 4,56,000 हुआ है, 4,56,000 में से 3 लाख तो कंपनी ने रख ली है। तो अभी यहाँ पे एक्सेस कितना, 1,56,000, तो ऊपर चेक करके देखो 1,506 तो 1,56 ही बनता है। तो इसका कैसे एडजस्टमेंट किया गया है, 1,50 तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए हैं और 6,000 क्या कर देंगे, वापस कर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है बच्चों कि यहाँ पे जो 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, तो जबकि हमने जब यहाँ पे टेबल बनाई थी तो उसमें अलॉटमेंट का कुछ एडवांस में आया। तो यहाँ पे जो 200 अलॉटेड हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ एडवांस में आया होगा, तो कैसे निकालें, ये 200 हमें अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, तो अलॉटेड के कॉलम में 200 लिख देती हूँ इसको। जैसा कि मैंने ये अलॉटेड वाला कॉलम बनाया था इसमें मैंने 200 लिख दिए, अब 200 लिख दी, मुझे अलॉटेड तो पता है, मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया। तो मैं यहाँ से अप्लाई निकाल सकती हूँ कि 1 लाख जिनों को अलॉट किए गए उन्होंने 1,50 के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने देखा कि जिनको 1 लाख अलॉट किए गई हैं एप्लीकेशन, जिनको 1 लाख अलॉट की गई हैं उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था, 1,50 के लिए अप्लाई किया था। अप्लाइड कितने के लिए किया था, 1,50 के लिए। तो यहाँ पे जिनको 200 अलॉट किए गए हैं तो यहाँ पे इनका अप्लाइड निकाल सकती हूँ मैं, 1,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीपल करते हैं 200। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ 300 आ जाएगा। तो यानी कि इन शेयर्स में से 300 ने तो अप्लाई किया लेकिन 200 क्या अलॉट कर दिए गए, तो 300 रुपये के हिसाब से कितना आया होगा इनका, 900। तो यहाँ पे कंपनी ने 600 रख लिया, 300 क्या इनका एक्सेस है, जो 300 एक्सेस है इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, पहले तो देखते 200 शेयर हैं 2.5 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे अपने पास बनते हैं 500, जबकि इनका 300 ही है, तो 300 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए बनाया आपको क्योंकि बच्चों यहाँ पे इन्होंने कहा है स्टेटमेंट के अंदर कि इनसे अपने को अलॉटमेंट का पैसा मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा प्रोराटा बेस में तो अलॉटमेंट की ये जो कुछ एडवांस आई है तो इनका एडवांस ऑलरेडी कितना आ चुका, 300 तो आ ही चुका एडवांस इनका अलॉटमेंट में जो हमने एडजस्ट किया है। तो जब अलॉटमेंट की टर्न आएगी रिसीव करने की तो उसमें इसको हम एडजस्ट करके दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे, अब हम करते हैं एक एक करके इसको। सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन के नाम से। अब यहाँ पे टोटल देखा हमने कि कितना एप्लीकेशन का पैसा जो रिसीव हुआ, 4,56,000 रुपये रिसीव हुए हैं कंपनी को। यहाँ पे हमने देखा टोटल कितना रिसीव हुआ, 4,56,000, तो 4,56,000 हमने यहाँ पे दिखा दी कि 4,56,000 कंपनी को रिसीव हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारा शेयर कैपिटल नहीं है क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ 3 लाख जाएगा, जो बाकी एक्सेस 1,56 है वो 1,50,000 तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है और 6,000 हमने कहाँ एडजस्ट किया है, वापस किया हुआ है। तो जब इसको एडजस्टमेंट करें तो कैसे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, जितना एप्लीकेशन का पैसा आया था कितना आया था, 4,56,000, इसमें से जितने कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना रखेगी, 3 लाख, क्योंकि जितने शेयर लॉट किए उतने वो कैपिटल में पैसा रखेगी कंपनी। उसके बाद जो एक्सेस था वो कंपनी ने कहाँ एडजस्ट किया, शेयर अलॉटमेंट के साथ, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना दिखाया हमने, 1,50,000, तो यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा अलॉटमेंट के आगे, और यहाँ पे 6,000 क्या कर देगा, वापस कर दिया गया, तो टू बैंक के नाम से क्या कर देंगे, 6,000 दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से 6,000। तो इस तरीके से हिसाब क्या आ चुका है, कंप्लीट पूरा कर दिया हमने। अब इसके बाद टर्न आती है अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट के साथ कुछ प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, सिंपल इसको ड्यू करते हैं और रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि अलॉटमेंट जो 2.5 रुपये के हिसाब से है, जब अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा तो एंट्री कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू में शेयर
कैपिटल अकाउंट के नाम से कर देंगे। तो हमने देखा कि हमारे जो कंपनी ने शेयर इशू किया वो किया 1 लाख शेयर हैं और जो 2.5 रुपये की अलॉटमेंट, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2.5 लाख रुपये आ जाएंगे, 2.5 लाख रुपये आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहा था हमें क्वेश्चन के अंदर कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी है। अब अलॉटमेंट नहीं दी है तो अब हमें अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट करके चलेंगे, जो बैंक रिसीव होगा उसमें क्या होगा, कमी रिसीव होगी। तो अब हम देखते हैं इसका हिसाब करके, जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव होगी तो कैसे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसको किस नाम से दिखा देंगे, कॉज इन एरर के नाम से दिखा देंगे हम। तो एंट्री क्या होते हैं, कॉज इन एरर को डेबिट किया जाता है। टू में किस चीज़ का पैसा रिसीव होना है, ये हमें अलॉटमेंट का, तो टू में क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से दिखा देते हैं। अब हमने देखा कि 2,50,000 जो अलॉटमेंट के लेने हैं, हमने ड्यू की है, जो ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुके थे एडवांस, जब हमने एप्लीकेशन में ये एडजस्ट किए तो ये कितने किए, यहाँ पे 150 एडजस्ट किए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे 150 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब कितने आएंगे, सिर्फ 1 लाख रुपये आएंगे। तो अलॉटमेंट के सामने मैंने कितने दिखा दिए, 1 लाख रुपये दिखा दिए। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोला था कि एक ऐसे शेयर होल्डर हैं जिसके पास 200 शेयर हैं, 200 शेयर ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट 2.5 रुपये के हिसाब से बनती है, तो कितने रुपये बनेंगे, 500। जबकि मैंने जब इसका हिसाब किया था टेबल के अंदर दिखाया तो 300 तो इसके एडवांस आ चुके हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ट्रीटमेंट करके बताया था इसका एक्सेस अमाउंट थी जो 300, वो 300 इसके अलॉटमेंट के तो आ चुके हैं, तो ये दोबारा तो हमें देगा नहीं। तो इन 500 में से 300 तो इनके एडवांस आ चुके, तो अब एरर है कितना एक्चुअल में इसका, 200। तो यहाँ पे कोज इन एरर के अंदर इसका कितना दिखा देंगे, 200 दिखा देंगे। तो 1 लाख में से 200 माइनस करके तो इस बार कंपनी को जो रिसीव होगा वो 9,800 से अलॉटमेंट का पैसा जो रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से अलॉटमेंट का पैसा जो रिसीव हो चुका है। अब उसके बाद कंपनी ने कहा था कि इन शेयर होल्डर को क्या कर लेना है, इसके शेयर्स वापस मंगवा लेना है, फॉरफिट कर लेना, उसके बाद फर्स्ट कॉल को मंगवाया जाएगा। तो फर्स्ट कॉल से पहले यानी कि इसी एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो कार्डअप में कितना आएगा, 3 रुपये एप्लीकेशन के, 2.5 किसके आएंगे, अलॉटमेंट के, क्योंकि सिर्फ यहाँ से अलॉटमेंट तक ही मंगवाया है, अलॉटमेंट के बाद इसको फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कार्डअप कैपिटल कितने आएंगे, 3 + 2.5 यानी कि 5.5 की आ जाएगी इसकी कार्डअप कैपिटल आ जाएगी। फॉरफिट करने से शेयर कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 200 शेयर्स हैं और कार्ड पर जिससे 5.5 रुपये मंगवाए गए हैं, तो यहाँ पे जो टोटल बनता है वो बनता है 1100 से। इसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी तो उस टाइम पे मैंने कोज इन एरर अकाउंट को ओपन किया था, तो क्लोज भी मैं क्या करूँगी, कोज इन एरर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसने 200 रुपये जो नहीं दिए, तो जो मैंने आपको वर्किंग नोट बना के बताया था, तो उसमें हम जो रह गया जो रिसीव करेंगे शेयर फॉरफिट में कितना पैसा जाएगा, जो कंपनी ऑलरेडी से रिसीव कर चुकी है। तो अब यहाँ पे 1100 में से 200 दिया नहीं, दिया कितने से, 900, जो किसका, सिर्फ एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन की मनी रिसीव कर ली है तो वो क्या हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। अब इसके बाद कहते हैं कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया। अब हमने देखा कि टोटल जो शेयर थे कंपनी के पास वो कितने शेयर बंद थे, पहले जो शेयर थे वो टोटल 1 लाख शेयर थे, उसमें से 200 तो कंपनी ने वापस मंगवा ली, यहाँ पे फॉरफिट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे शेयर कितने रह गए, सिर्फ कंपनी के पास 9,800 शेयर रह गए। तो फर्स्ट कॉल कितने शेयर से मंगवाएगी, वो 9,800 शेयर से जो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगी कंपनी। तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू में शेयर कैपिटल के नाम से दिखाया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 9,800 शेयर्स हैं और 2.5 के हिसाब से जो फर्स्ट कॉल का पैसा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2,49,500। तो यहाँ पे हर एक शेयर ने जो अपनी पैसा पे कर दिया, तो टोटल बैंक भी कितना सी हो जाएगा, जितना ड्यू किया गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से हम दिखाएंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, तो टोटल पैसा 2,49,500 क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब उसके बाद कहते हैं कि जो शेयर्स फॉरफिट किए थे उनको आगे क्या कर दिया गया, रीशू कर दिया गया। कैसे रीशू किया गया, कहते जो ये 200 शेयर्स फॉरफिट किए थे, ये 200 शेयर्स को कैसे रीशू किया गया, कहता 9 पर शेयर के हिसाब से इसको रीशू कर दिया, 9 पर शेयर के हिसाब से कर दिया, जबकि इसकी फेस वैल्यू है कितनी, 8 रुपये। कहता है 8 रुपये वालों को 8 पेडअप, कहता कि 8 पेडअप को 9 पर में इसने इशू कर दिया, रीइशू कर दिया। तो यहाँ पे 1 रुपया क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आ गया, क्योंकि 8 रुपये कार्डअप बनती है ना यहाँ पे, और पेडअप कार्डअप क्या है, 8 रुपये बनती है। तो 8 रुपये वाले शेयर को जब 9 रुपये में रीइशू किया गया तो 1 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा किस चीज़ का होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। जब रीइशू किया जाएगा तो उससे एंट्री क्या बनती है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है कंपनी का, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा।
यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू में शेयर कैपिटल, क्योंकि रीइशू करने से कैपिटल क्या जाती है, बढ़ जाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो टू में क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमारे पास 200 शेयर हैं जो रीइशू किए गए, वो 9 रुपये के हिसाब से तो 1800 हो जाएगा। 200 शेयर हैं जो फेस वैल्यू बनती है, वो बनती है हमारे पास 8 रुपये, तो 1600 हो जाएगा। 200 शेयर हैं जो 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 200 क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब बारी आती है शेयर फॉरफिट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करने की, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। अब जितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं उतना ही क्या कर देगा, रीइशू कर दिया गया। तो यहाँ पर जो शेयर फॉरफिट के अंदर हमने पैसा डाला था 900, तो 9 का 9 ही कहाँ चला जाएगा, फिर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि रीइशू करने से प्रीमियम पर रीइशू किए गए, डिस्काउंट पर रीइशू नहीं किए गए। अगर डिस्काउंट पर रीइशू किया था तो मैं इसको माइनस कर देती 900 में से जितना डिस्काउंट होता है, और बाकी बैलेंस कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो इस बात सिक्योरिटी प्रीमियम में इस कारण से जितना भी शेयर फॉरफिट का बैलेंस है, शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस है, वो सारे का सारा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, टोटल जितना हमने फॉरफिट अकाउंट के अंदर डाला था 900 का 900 चला जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी सिर्फ जनरल एंट्री क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो जनरल एंट्री हमने कर दी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आगे आने वाली क्लासेस में हर एक टॉपिक को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से रेगुलर तरीके से करवाऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन है क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।